आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो स्टेट बोर्ड ने किया है वक्फ बोर्ड के बारे में, तनवीर सेठ साहब उसके अंदर पूरा जो जो काम होकर है वो काम के बारे में तफसील से समझाए हैं। मैसूर के जो हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं और होम का जज्बा रखने वाले जितने लोग हैं वो सब फारुखिया जो केनरा बैंक से जो अमाउंट लिया है वो जगह हराज में जो हराज में जाने वाली है 30 तारीख को, इस वजह से सबको कन्फ्यूजन था। वो कन्फ्यूजन कल तनवीर सेठ साहब क्लियर कर को ही ये अंडेशा ओली मकान सुन्नी जो ये जगह हमारी वहाँ पर 301 कड़ी जो स्क्वायर फीट में है 150 60 पो 9 वड़ी जो जगह है वो हमारी वक्फ की जगह है। और जो हराज में दे रहे उनका जो ट्रस्ट उन्होंने बना लिए वो ट्रस्ट और वो जो पैसे का मामला वो हमारा नहीं है, वो ट्रस्ट वालों का मामला है। यहाँ पर हमारे पास जो आरटीआई में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स हमें ये तुमना देते हैं और हमारे जितने भी इदारे हैं वो इदारे का जहाँ जहाँ भी काम कर को ही इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स का मैं तुमना एक सेट जेरॉक्स देता हूँ। ये जेरॉक्स मैं आप लोगों को प्रेस वालों को भी दूंगा। ये लोगों के सामने आना चाहिए, ये किसी के बाप की जगह नहीं है, ये वक्फ बोर्ड की जगह है। वक्फ बोर्ड हर मुसलमान का इदारा है, हर मुसलमान का हक बनता है कि हमारे वक्फ बोर्ड को जगह बचाना है। इसलिए हमारे जितने भी इसके अंदर जो बड़े लीडर्स रहेंगे या वक्फ बोर्ड चेयरमैन रहेंगे कोई भी हो या स्टेट बोर्ड में हो, ये सारे के सारे ये इदारे आएंगे, ये जगह आएंगे वॉचमैन आए, ये वॉचमैन गिरी करना है। आज ये इनो हिफाजत इनको करेंगे तो हमारे बच्चों को और बच्चों का वो बनाकर रखकर जाना है। ये खाने वाले लोगों को इदारे में नहीं डालना है, कोई सा भी इदारा हो अच्छे लोगों को इदारे के अंदर डालना चाहिए। और हमारे यंगस्टर्स जितने भी हैं अच्छे पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं अकलमंद लोग हैं, इनको इदारे में लेकर आपको डाले तो इंशाल्लाह ये काम भी कौन भी चुराने नहीं होता। इसलिए जो अब ये हमारा वक्फ बोर्ड का मामला है वो वक्फ बोर्ड के मामले से हम सारे मैसूर के जो भी जज्बा रखे हैं जो कौम के वास्ते कभी भी हर वक्त बाहर आकर काम कर रहे हैं वो लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो सब हम सब साथ मिलकर जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बचाएं। और इसके अंदर ये नक्शा है, ये नक्शे के अंदर जितनी जगह हमारी है और फारुखिया की कितनी जगह है, ये नक्शे के अंदर आरटीआई में निकाले हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। आरटीआई के डॉक्यूमेंट झूठे नहीं हो सकते। और हमें वक्फ बोर्ड में भी कल भी गए थे, मैं वक्फ बोर्ड वालों से भी अपील करता हूं मैसूर वक्फ बोर्ड से कि वो सामने आए। अगर वो सामने नहीं आए तो हम लोग जितने भी हमारे मैसूर के जो जज्बा रखने के साथी हैं बहुत सारे हमें भी देखे, इतने दिन से हमें भी बात नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं था। आज माशाल्लाह ये डॉक्यूमेंट जो आरटीआई में निकालकर तनवीर सेठ साहब जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हैं उसके अंदर सारे चीजें आवाम के सामने आकर हैं और आवाम को मालूम होना है कि वक्फ बोर्ड में क्या चल रहा है। अगर इसी तरह से हम वक्फ बोर्ड को छोड़ देंगे या ना नहीं पूछने वाले लोग हैं बोल के समझ लेंगे तो गलत फहमी है। हम लोग जो जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज कहां कहां पर ये
लोन लिए हुए हैं या बेच चुके हैं, ये सभी हमें इंशाल्लाह आइंदा दिनों में हम सब साथ मिलकर ये बाहर काटेंगे। मैं सीधा सवाल आपसे कर रहा हूँ, जैसे ही ये बैंक की बात सामने आई लोगों के सामने, तो तमाम के लोगों के जहन में ये थी कि फारुका डेंटल कॉलेज का जो प्रॉपर्टी है उस पर एक्शन किया जाएगा। बाद में वो क्लियर हुआ कि उदयगिरी की प्रॉपर्टी जो फारुका यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक है और वो केसरे जो नेहरू नगर में जमीन है उसके बारे में आए, वहाँ तक तो इन्फॉर्मेशन ठीक है। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें एक बात सामने नहीं आ रही है, जो फारुका का जो बिल्डिंग है, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ 81,000 स्क्वायर फीट है, जैसा कि आपने नक्शा बताया 81,000 स्क्वायर फीट, उसमें से मोस्ट प्रॉबली 49,000 आपके अंडे शावली मकान जो वक्त है उसमें आ रहा है, जो बकिया जमीन है उस पर वो बैंक जो नोटिस है वो है। तो आप आगे ना आने वाले कार्रवाई में क्या लोगों को क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि वक्त वो पूरी जमीन वक्त की नहीं है, वो सी ए साइट जो थी उसमें से 49,000 छोड़कर जो है वो सी ए साइट में शामिल है, तो इसको क्या मतलब प्लानिंग क्या कर रहे हैं आप लोग, कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि आपने पहले फारुका डेंटल कॉलेज की बात की, फारुका डेंटल कॉलेज भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल है। इसका डॉक्यूमेंट भी ये लोग जो कल मैं तनवीर सेठ साहब का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, एक बार मैं फिर दोबारा आपको बोलना चाहता हूं, जिस जगह सजदा करते थे लोग, जो नमाज का ईदगाह की जगह भी वहां पर वो प्लेच कर थे, वो कड़ाके हैं। ये किसी इदारे को एक प्रेसिडेंट होना या सेक्रेटरी होना उनके बाप के घर की जागीर नहीं, उनके बाप के घर की जागीर नहीं है, वो वहां पर सिर्फ उनका काम करने और कौम का इदारा जो है उसे बचाने के लिए आते हैं, उनकी जागीर नहीं होती। ये अपनी जागीर समझ के जो लोन लिए हैं वो उसका यहाँ पर वो क्लियर कर दिया हूं मैं, क्योंकि जो डेंटल कॉलेज का भी डॉक्यूमेंट था वो क्लियर कर रहे हैं। सेकेंड बात आपने बताई कि वहां का जो अंडे शाह वाली मकान सुन्नी का जो है वो हमारी जगह 300 स्क्वायर में और 160 कोनों में हमारी जगह है, और वक्फ की जो जगह इनकी फारुका के जो स्कूल की जगह है वहां पर वो उनका इदारा वो जो ट्रस्ट बनाए हुए हैं वो ट्रस्ट की जगह है, हमारी जगह पर हम रहना है बस। जिम्मेदारान में अभी एज ए सिटीजन एज ए मुस्लिम तुम्हें भी रह सकते हैं हमें भी रह सकते हैं वो जगह नहीं। देखो इसके पहले एक एडमिनिस्ट्रेटर अदालत है वो उनके तरफ से जितना काम होना था हो गया था, और जब ये लोन लिए तब बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। ये मैं बोलता हूँ मैसूर सिटी की जो वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं और वहां के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये काम को अंजाम देना था, ये अंजाम नहीं दिए। ये जब हराज में आ रही है तब सारे लोग जुड़े, इसमें तनवीर सेठ साहब भी मेरे ख्याल से मेरे पास लेटर्स हैं 1 से 10 लेटर डाले हैं इसके डॉक्यूमेंट के लिए। ये काम तनवीर सेठ का नहीं है, ये काम मैसूर वक्फ बोर्ड के जितने लोग हैं वो काम करना था, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो काम करे। आज वो काम ना करने की वजह से आज तनवीर सेठ भी वहां पर बैठकर ये इदारा बचाने के लिए, ये जो जमीन हराज हो रही है वो बचाने के लिए आज वो वहां पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमें कल भी जो यहाँ पर कमानी दरवाजे का जो स्कूल था वहां पर सारे वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स आकर वहां का जो भी एक्शन कर रहे थे वहां का सामान खड़कर बाहर खड़ा कर वो क्लियर कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे साथ हम आवाम आपके साथ है, आवाम हमारे तुम्हारे साथ जुड़कर रह जाए, तुम्हें भी ऑफिसर्स कहते हैं सब साथ में आए, तो हमारे जितने चाहने वाले जो वक्फ और जो ये रखते हैं जो खिदमत का जज्बा रखते हैं वो सब साथ मिलकर हम उनका साथ देंगे इंशाल्लाह, वो हमें किसी भी हालत में हराज होने नहीं देंगे। अच्छा आपका लेना फंक्शन क्या है, क्योंकि अभी अंडे शावली मकान लोगों को बिल्कुल पता नहीं था कि अंडे शावली मकान है, जो बुजुर्ग लोग हैं वही जानते थे, अब आपका लेना फंक्शन क्या होगा? लेना एक्शन आप जो पूछ रहे हैं, हम सारे लोग इंशाल्लाह वहां पर जो जमीन है वो जमीन को बाइफर्केशन कराना है, हमारी जितनी जमीन है उतनी जमीन लेके हमें वक्फ बोर्ड में सेफ से उसको रखना है। अभी बैंक के बारे में कुछ स्टेप उठा रहे हैं, क्योंकि वो सिक्योर्ड लोन है अनसिक्योर्ड लोन है आपको जानना जरूरी था। वो सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन रहने की वजह से मेरे
ख्याल से ये देकर हैं, और ये मैं समझता हूं कि ये कुछ इसके अंदर घोटाला हुआ है, क्योंकि आरटीए में जब डॉक्यूमेंट हम काट रहे हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर क्लियर है अंडे शाह अली सुन्नी वक्फ का इदारा है, तो फिर ये लोन कैसा लिए? ये मैं समझता हूं कि वो ट्रस्ट वाले जो भी सेक्रेटरी जो भी प्रेसिडेंट हैं वो लोग आकर सामने आपको बात करना चाहिए। मैं समझता हूं जितना भी आज यंगस्टर्स हो या इदारे के बड़े बड़े लोग हो, जब भी उनसे सवाल किए हैं कोई जवाब आकर नहीं है, और मैं समझता हूं कि आपको प्रेस वालों को भी आकर कभी वो बताया नहीं है कि कैसा करे हैं, कैसा लोन लिए हैं, और ये रीपेमेंट कैसा करते हैं, और ये इदारा मेरे ख्याल से ये भी इदारा बैंक को दिए हैं, या वो बैंक वाले कैसा लिए हैं, या बैंक वाले शामिल है या ये ट्रस्टी शामिल है, मुझे पता नहीं है। उनके ट्रस्ट की जगह है, वो जो भी करना है वो भी जगह को अजीज सेठ साहब, अल्लाह अजीज सेठ साहब ने वो ट्रस्ट को जगह देकर है वो वक्त में, और वो जो अजीज सेठ साहब बोले थे अंडे शाह वाली का जो ये है वहां पर देना है 9 लाख चिल्लर रुपए यहाँ के जो आए थे वो पैसा भी देकर है, वो पैसे की वजह से ये जगह हमारे को आना था, ये इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, मैं आपको डॉक्यूमेंट देता हूँ आप इसको देखकर। अच्छा, अंडे शाह वाली मकान के जूरी डिस्ट्रिक्ट में जो दुकानें हैं उसका किराया वगैरह कहाँ किसे जा रहा था क्या है? मैं समझता हूँ अब तक वो किराया जो वो ट्रस्ट रिफॉर्म मुस्लिमीन जो ट्रस्ट है वो किराया ले रहे हैं, ये मैं बिल्कुल मैं खिलाफ करता हूं कि जो मैसूर की वक्फ बोर्ड है इसका एक्शन लेना चाहिए था, वो कई के लिए नहीं लिए मुझे मालूम नहीं, इसके अंदर जो जो लोग शामिल हैं इनको कड़ी सजा होना चाहिए। सवाल इसलिए था क्योंकि ये लोन के बाद ये सब चीजें सामने आ रही है, वरना तो ये अंडे शाह वाले मकान बिल्कुल भूलने वाली बात हो गई थी, जब सामने आ रही है तो सब बात सामने आना जरूरी है, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, अब इसके अंदर कौन कौन शामिल है बाहर आना है, और ट्रस्ट वाले जो अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं ट्रस्ट छोड़ दिया, मैं नहीं हूं, वो नहीं है, वो बैंक तो नहीं छोड़ेगी ना, वो सारे लोग सामने आना है, सामने आकर आपके प्रेस में ही बताने दो, लोगों को लोगों तक बात मालूम होने, इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ये, आवाम तक ये भी जैसा हमने बैठकर जद्दोजहद कर रहे हैं, और मैसूर के सारे जो जज्बा रखने वाले वो जद्दोजहद कर रहे हैं, वो लोगों के सामने आकर बताना चाहिए कि ये कहां से पैसा लिए हैं, कैसा लिए हैं, क्या हिसाब से लिए हैं, कौन रीपेमेंट कर रहे हैं इसका, और इसलिए हमारी जगह भी आप हराज में डाल देंगे वक्फ बोर्ड की, तो आपको सेक्रेटरी बनाना या कोई भी इदारे में एक प्रेसिडेंट बनाना गलत बात हो जाती है। इंशाल्लाह मैं आज भी वक्फ बोर्ड से स्टेट वक्फ बोर्ड को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अच्छे लोगों को इदारों में डाले, बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं, ये इदारा सब लोगों का है, किसी के बाप के घर का इदारा नहीं है, ये सब लोगों का इदारा है, सब लोग जुड़कर हम काम करेंगे। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप तमाम लोग यहाँ पे एक वक्फ बोर्ड का जो मसला है उसके फिक्र में आ गया है, ठीक है, तो मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि ताज मोहम्मद खान जो वन मैन आर्मी की तरह तमाम लोगों को साबित कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि किसी एक आदमी की कोई एक ऐसी गलती होगी, क्योंकि एक ट्रस्ट मान है, तमाम लोग उसमें जुड़े हुए रहते हैं। हाँ। क्या आपने वो इदारे के सदर से हो या दीगर ट्रस्टी जो है उनसे आपने बात करने की कोशिश की? नहीं, मैं आज सुबह शौकत पाशा साहब से बात की, शौकत पाशा साहब ने मुझे बताया कि नहीं ये ट्रस्ट का जो मामला है, जो अजीज सेठ साहब थे उस दौर में यहाँ के जो अंडे शाह वाली सुन्नी वक्फ को हमें जगह देना था वो बिल्कुल सही है, वो जगह हम देंगे, उसकी जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं है करकर बोले हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ट्रस्ट का वो उन लोगों को जमा है, आप उन लोगों से ही सवाल करें तो बहुत अच्छा रहे। जी, जब सवाल की बात आती है तो याला मस्जिद की जैसे ही वो स्कूल का वो खाली करने का जो चीज हुई तो उससे मैंने ताजमी से बात की, तो ताजमी ने बताया कि एक मोमिन का गिबत नहीं कर सकता, मैं लीगल कार्रवाई कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हमारी जीत होगी, इस हिसाब से बात किए थे। अच्छा, लीगल कार्रवाई आज लीगल कार्रवाई 30 तारीख को हराज होना है, क्या हुआ? बिल्कुल 4 दिन में आप क्या कर रहे हैं, आपको आवाम को बताना चाहिए, आवाम के सामने आकर बोलना चाहिए कि हमें क्या कर रहे हैं बोलकर, अभी तक तो बात आपको बताई, 4 दिन में क्या करेंगे, सारा मैसूर वहां पर रहेगा, बहुत सारे लोग कल भी वहां पर जाने वाले थे, हम लोगों को बताया कि जो 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 डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट के हिसाब से
हम वॉकबोर्ड वालों से भी बात कर कल मैं अक्लाइजमेंट भी लिया हूँ और वहाँ पर वॉकबोर्ड के हमारी जितनी भी अंडे शाह वाली सुनी जो जगह हमारी है वो जगह पर वो आए, हम उनके साथ रहते हैं और जो भी ऑफिशियल्स हैं वो सब सारे लेकर हमारा जितना वहाँ पर जगह है वो हम अपने आप कब्जा करके रख सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल, मेरा एक छोटा सवाल सर, बहुत सारे जो है तालिब इल्म, बहुत सारे लोग जो है वहाँ से पढ़ के फारिग हुए हैं, आज वो जो है बहुत नाराज हैं, गुस्से में हैं, नौजवानों के लिए आपकी तरफ से एक मैसेज, एक पैगाम क्या है? देखो अब ये ट्रस्ट बनाकर जितने बच्चे वहाँ पर पढ़े हैं वो भी बचाने की कोशिश चल रही है, उस इदारे के सदर और सेक्रेटरी और जो मेंबर हैं वो सामने आकर इसका जवाब देना है, अगर यह जवाब नहीं देंगे तो सारे जितने भी मुस्लिम हमारे जज्बेदार जो काम करने वाले हैं ये कल तुम्हारे घर पर आकर पूछेंगे तो तुम्हें जवाब देना पड़ेगा।